अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगी कि नीलम मुनीर जो है वो रमजान अल मुबारक के मौके पर जो है वो गई अपनी जो मासी हैं जो उनके घर में काम करती हैं उनके घर गई, और उनका जब इन्होंने घर देखा कि वहाँ पे ये लोग कैसे रहते हैं और उनका रहन सहन, और वहीं पर नीलम मुनीर ने जो है वो इफ्तारी भी की है, तो उनका जब हाल देखा कि किस तरीके से वो लोग सब्र और शुक्र करके जो है वो गुजारा करते हैं, तो नीलम मुनीर जो है वो रो पड़ी, बहुत इमोशनल हो गई। और इसके अलावा नीलम ने उनके साथ बैठ के इफ्तार भी किया और उनकी बहुत सारी हेल्प भी की, क्योंकि नीलम कहती है हमारे घर पे तो होती है, सारा काम करती है, लेकिन हमने कभी देखा नहीं कि वो रहती कैसे हैं, तो इसलिए वो वहाँ पहुँची। तो आप उनकी वॉइस भी सुनिए। आप समझती हो, अब तो आपको डर नहीं लग रहा, लोग चले गए बाहर। पागल नहीं हो आप, बहुत अच्छे हो, आप बिल्कुल सही हो। आप देख सकते हैं कि इनकी मासी के जो बच्चे हैं वो बहुत खुश हुए नीलम मुनीर से मिलकर, और नीलम ने जो है वो कोई ये नहीं देखा कि वो बड़े घर से आई हैं या कुछ भी, बिल्कुल उन्हीं की तरह जो है वो खाना खाया उनके साथ, और बहुत ज़्यादा नीलम इमोशनल हो गई। और नीलम ने ये कहा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी कि मैं हेल्प कर सकूँ इनकी और इनको घर बनवा के दे सकूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना है और जितने अच्छे काम हम करेंगे उतना हमें सवाब मिलेगा। अम्मी कह रही है मुझे, आप समझती हो, अब तो आपको डर नहीं लग रहा, लोग चले गए बाहर। पागल नहीं हो आप, बहुत अच्छे हो, आप बिल्कुल सही हो। तो ये थी वीडियो, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।